वन पीस फिल्म रेड दो क्वाइट डिसअपॉइंटिंग ट्रेलर राइट। नहीं मतलब संक्स की एक बेटी भी है और वो ये है हैं? बाय द वे मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि सैंक्स को संक्स कहा करो, और जिसके बाद मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली चेक करा था और वो सैंक्स ही है। सो फक यू गाइस, मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये मूवी कैनन होगी। तो एक चीज दिमाग में बैठा लो कि नहीं, ये कैनन नहीं होगी। एक्चुअली 90% चांस है कि हाँ ये कैनन नहीं होगी, क्योंकि तुम अगर देखो तो वन पीस एक्चुअली ऑन गोइंग है, और ऐसे ही ऑन गोइंग के बीच में वो लोग अगर एक कैनन स्टोरी डालते हैं तो यानी उनको पहले एनिमे में उसको अडेप्ट भी करना होगा, क्योंकि बहुत लोग मूवीज को फॉलो नहीं करते हैं और ये चीज मांगा में पहले आ जानी चाहिए थी। तो हाँ ये कैनन नहीं है। और दूसरा ये हिस्ट्री है कि ओडा कभी भी कैनन चीजों को मूवीज में नहीं डालते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रैगन बॉल वाला चीज भी आ जाता है। जैसे कि ड्रैगन बॉल सुपर और वन पीस दोनों का स्टूडियो सेम है ना। तो पहले क्या हुआ था कि ड्रैगन बॉल जब स्टार्ट होने वाला था तो उसके पहले एक मूवी आई थी गॉड्स वाली, तुम्हें याद हो तो ऑब्वियसली याद होगी, उसमें बीरस आया था पहली बार। और ऐसा और एक बार हुआ था, मूवी आई थी जिसका नाम था शायद रेजरेक्शन एफ, जिसमें फ्रीजा वापस आता है। तो ये सब मूवी एक्चुअली एपिसोड आने के पहले आई थी और उसके बाद एपिसोड आया था। और ऐसा ही डेमन स्लेयर वाले में भी हुआ था, इन्फिनिटी ट्रेन। तो हो सकता है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वन पीस ऑन गोइंग है। एंड इस यहाँ पे क्या चीज था कि वन पीस ऑन गोइंग है ना, लेकिन ड्रैगन बॉल और डेमन स्लेयर एंड हो चुका था, यानी डेमन स्लेयर का सीजन 1 एंड हो चुका था और ड्रैगन बॉल भी एंड हो चुका था। और उसके बाद जब स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे मूवी आई थी, और उसके बाद वो लोग एपिसोड से इसको अडेप्ट किए थे, जो कि मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट लगता है मुझे। हालांकि एपिसोड में थोड़ा ज्यादा डिटेल रहता है, लेकिन तब भी वो टाइम वेस्ट है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10% चांस है, लेकिन 90% चांस है कि नहीं ये मूवी नॉन कैनन है। ठीक है भाई, समझ गया। तो इसका मतलब है वो भी नॉन कैनन है ना, तो नहीं यहाँ पे थोड़ा पासा उल्टा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो विलन्स होते हैं वन पीस में, यानी जो कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो वन पीस के मूवीज में होते हैं स्पेशली, वो कभी कभार कैनन होते हैं, लाइक सीकी द गोल्डन लायन। और एक और कैरेक्टर है कैरीना करके, वो फिल्म गोल्ड में थी, वो कैनन तो नहीं है पर वो नामी के बैक स्टोरी में थी और वो वहां पे इम्पैक्ट डालती है, जो कि ऑब्वियसली कैनन नहीं है पर ऐसे दिखाया गया था कि वो कैनन है। तो हाँ हो सकता है, ये पॉसिबल है कि फूता है, इसका नाम फूता क्यों है बाय द वे, व्हाट द फक मैन। तो हो सकता है कि फूता एक्चुअली सैंक्स की बेटी हो। अब ये श्योर नहीं है कि वो बायोलॉजिकल बेटी है या नहीं, कास ना हो, बट एनीवे अगर वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी होती है तो इसका मतलब पॉसिबल है कि हाँ ये रियल स्टोरी में इम्पैक्ट करेगा। मतलब हो सकता है कि रियल स्टोरी में भी उसकी कोई बेटी हो, पर अगर ये मूवी में दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब साइंस की बेटी का कोई मेजर रोल नहीं होने वाला है एक्चुअल स्टोरी में। और अगर वो उसके बायोलॉजिकल बेटी नहीं होती है, साइंस ने बस उसको ऐसी बस बेटी कह दिया था तो इस सिचुएशन में ये पूरी तरह नॉन कैनन है। एंड हाँ, जिस तरीके से तुम लोग अगर डिटेल्स देखोगे स्टोरी में और ट्रेलर में, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सैंक्स ने अपना स्ट्रॉ हैट पहना हुआ है। इसका मतलब ये लूफी से मिलने के पहले का स्टोरी है। और हाँ, यहाँ पे जोरो के पास एनमा भी है, यामाटो नहीं है। हो सकता है गियर 5 भी हमें देखने को मिल जाए। हालांकि इस मूवी में जैसा स्टोरी होने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है, इसमें फाइटिंग से ज़्यादा स्टोरी पे ध्यान दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि फाइट सीन्स नहीं होंगे यार, वरना मूवी फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन इस मूवी में स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है ऐसा मुझे लग रहा है। और शायद से अभी तक की जितनी भी मूवीज़ आई है उसमें से बेस्ट स्टोरी इसी में होने वाली है। इसके पहले जो मूवीज़ थी उसमें जो सबसे बढ़िया स्टोरी थी वह थी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड और फिल्म गोल्ड, और एक कोई गोल्ड करके था, उसकी भी स्टोरी ठीक ठाक थी। कोई कमेंट में स्टैम्पीड का नाम मत लेना, स्टैम्पीड का स्टोरी नहीं फाइट सीन्स अच्छा था। एडिटिंग करते वक्त मुझे याद आया कि फिल्म जी का भी जो स्टोरी था वो काफ़ी डिसेंट था, तो तुम लोगों ने अगर नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखना, उसमें आओकी जी गाना गाता है, बहुत मज़ेदार मूवी है, ट्राई ज़रूर करना। तो बस ख़त्म, यही था मेरा विचार इस मूवी के ट्रेलर को लेकर।